हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका यादव। आज चलो मैंने सोचा कॉपी पे ट्राई कर लूँ। तो आपको पता है कि आपका क्या आ गया है, UPSI का फॉर्म आज से फिल होना चालू हो गया है 1 अप्रैल से, जैसा उन्होंने कहा था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम पे वैकेंसी आएगी, आप तैयारी करते रहो। तो मैंने सोचा है कि UP GK के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक कॉपी बना लो अपनी पतली सी, जिसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं, 10-15 टॉपिक हैं UP GK के, वो पूरे कवर कर लो, ठीक है। तो आज हम चल रहे हैं क्या UP GK का, बिल्कुल आपको ऐसे ही सेम कॉपी बनानी है, UP GK का फर्स्ट टॉपिक, जिसका क्या नाम है, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। आपको एज इट इज़ नोट बनानी है अपनी, ऐसे ही आप ले लेना एक स्पाइरल और उसमें आप अपने नोट्स बनाओ UP GK, क्योंकि आप टारगेट लेकर चलो। क्या टारगेट आपका क्या होना चाहिए, UPSI, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको पता ही है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। भौगोलिक स्थिति में मैं आपको क्या बताऊँगी, बाई मैप, क्या मैप के अकॉर्डिंग आपको पूरा बताऊँगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। पहला पॉइंट, हम अपनी यूपी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से सबसे पहला, और ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, फटाफट करो, MCQs होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि जो यूपी है वो किसका, पहला पॉइंट क्या बोलोगे, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, क्या बोला मैंने, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट, ये जो है कैसे उत्तर से दक्षिण, कैसे उत्तर से दक्षिण भाग में पठारी भाग प्रायद्वीप भाग का ही अंग है। इसका मतलब जो ये बिंद, जैसे आप ये देखते हो जब ज्योग्राफी में बताऊंगी, जो बिंद क्षेत्र है ना, वहाँ पे प्री कैम्ब्रियन युग। तो आपको एक नया पॉइंट पता चला, क्या, प्री कैम्ब्रियन युग। जैसे बता रही हूँ तसल्ली से, ध्यान से सुनते जाओ और अपने नोट्स बनाते जाओ एक एक करके, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, आप छोटा छोटा अपना अच्छा नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आज विस्तार बताती हूँ, इसका विस्तार आपको एज इट इज लिखना है, क्या विस्तार कैसा है इसका, आच्छांसीय विस्तार लिखोगे, आच्छांसीय विस्तार कैसा है, देखो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 21 मिनट, क्या है, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी को मैं ऐसे कर दूं या आप समझ जाना, उत्तरी अक्षांश की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, कुल अक्षांश, यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा, देखो कुल कितना है, कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 6 डिग्री 29 मिनट, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो, कितना हो गया, 6 डिग्री 29 मिनट। उसके बाद अब देखते हैं देशांतरीय, जो देशांतर होता है ना, देशांतरीय विस्तार, उसको देखते हैं हम जरा सा। हालांकि अब ये नहीं आएगा मेरे ख्याल से, अब इतना नहीं पूछना चाहिए, ये वाला पूछ सकते हैं कि अक्षांशीय कितना है और देशांतर कितना है। तो ये है, आ भी सकता है भाई, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, तसल्ली से पढ़ो, ज़्यादा किसी के चक्कर में मत पढ़ो, अपना पढ़ते रहो तसल्ली से, ज़्यादा बहुत सारे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बहुत सारे लोग तुम्हें डराएंगे, ये लो पेड कोर्स फलाना ढिमकाना, नहीं डरो, खामखा अपना काम करो, बस पढ़ते जाओ चुपचाप। मैंने भी ऐसे ही इतने सारे पेपर क्वालिफाई किए आपकी तरह, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 7 डिग्री 09 मिनट, ठीक है, ये हो गया 6 29, ये हो गया 7 9, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले आप अपने कॉपी पे ऐसे बनाएंगे, हम सबको पता है इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। तो सबसे पूर्व में आप सबसे डालेंगे, सबसे अच्छा जो हमारा यूपी है उसका आकार कैसा है, थर्ड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डाल लेंगे, कैसे, लंबवत आकार है, लंबवत, ठीक है, लंबवत आकार है। उसके बाद यहाँ पे आप ईस्ट डालेंगे, ईस्ट में सबसे पूर्वी जिला पूछेगा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, आप बताएंगे बलिया, सबसे पूर्वी बलिया। सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तो आप डालेंगे सहारनपुर, ये वही सहारनपुर है जहाँ पर कागज़ का अनुसंधान है, कागज़ का कारखाना है, अभी आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। और वेस्ट में आप डालेंगे जो अभी अभी NCR में सामने बलिया, और उत्तर में सहारनपुर, और पश्चिम में क्या हो गया तुम्हारा, शामली, क्या हो गया, शामली, और दक्षिण में तुम्हारा हो गया क्या, सोनभद्र। अब चार लोग आपको वो याद हो गई, ठीक है,
दिशाएं क्या? पूर्व में सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है, फिर से याद करते हैं, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, ये हो गए आपके चार लोकेशन। आप पांचवा पॉइंट बनाएंगे, पांचवा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या यूपी की सीमा को टच करने वाले राज्य। अब सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, बाई मैप मैं बताऊंगी, लेकिन एक मिनट सुन लो, क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका बिहार, और उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, शॉर्ट नोट, क्या बोला मैंने, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ठीक है, ये क्या है, इनकी सीमा को टच करते हैं, जरा काउंट करके बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने जानबूझ के आपको काउंट कराया कि 8 हो गए राज्य और 1 हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश यूटी, बराबर कितने हो गए, 9। अगर क्वेश्चन आता है कि कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, तो क्या बोलोगे, 9। और अगर कितने राज्य करते हैं, तो 8, कितने यूटी करते हैं, तो 1, कौन, दिल्ली, क्या बोलोगे, 1 ही दिल्ली। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ बाई मैप। देखो, तो यूपी जी के पढ़ने से पहले या फिर आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हो तो मैप की हेल्प बहुत लेनी ज़रूरी है। तो अगर आप पढ़ोगे क्या यूपी जी के, तो यूपी जी के लिए आपको एक बार यूपी का मैप पूरा याद कर लो, फिर तुम्हारे मन में पता चल जाएगा कि कहाँ पे, वहाँ भाई यहाँ सहारनपुर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ लखनऊ है, यहाँ पे ये कानपुर, यहाँ महाराजगंज, मतलब सारा कुछ तुम्हें पता चल जाएगा बाई मैप। तो चलो पहले मैप ही आज याद कर लेते हैं तसल्ली से। ये देखो, अभी मैंने बताया था सबसे नॉर्थ में सबसे पूर्वी क्या हो गया, सहारनपुर, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा यहाँ पे सबसे पश्चिमी क्या हो गया, शामली। तो पहले बाई मैप याद करते हैं, ये सहारनपुर है, सहारनपुर से नीचे क्या है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से नीचे क्या है, बिजनौर, बिजनौर से नीचे मुरादाबाद, ठीक है, ये रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर। ठीक है, एक बार फिर से यहीं से आते हैं दोबारा से। हाँ, मुझे पता है कि एक बार में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, मैप ले लो, चाहे तो यूपी जीके का नेट से निकाल के अपने घर में पेस्ट करो, जब आपको करना ही है, यूपी की सारी वैकेंसी आने वाली है, तो करो। कैसे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं इधर की साइड, कुशीनगर से नीचे क्या है तुम्हारा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, और ये रहा सबसे नॉर्थ में तुम्हारा क्या है, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। अब यहाँ से फिर चलते हैं, अभी साइड साइड से पहले, ये रहा मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, और ये रहा ललितपुर। जो दो नीचे राज्य हैं ये हैं कौन से, ये है सोनभद्र और ये रहा तुम्हारा ललितपुर। ललितपुर से ऊपर चलते हैं झांसी। ध्यान दो, बस एक बार लोकेशन याद करो, आज इतना ही होमवर्क करो आज तुम, लोकेशन याद करो, ललितपुर, ललितपुर के ऊपर था झांसी, झांसी के ऊपर जालौन, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, और यहाँ पे तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, फिर से आ गए हम सहारनपुर पे। ठीक है, एक साइड साइड से हमने एक व्यू ले लिया, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया अभी हुआ होगा। फिर से एक बार चलते हैं, दोबारा से आते हैं फास्ट, कुशीनगर, दोबारा से करते हैं, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, सबसे साउथ में, जैसे सोनभद्र आ जाए सबसे पता चल जाएगा साउथ में, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, और झांसी के जस्ट नीचे ये लटक रहा है, क्या लटक रहा है, तो ललितपुर। ठीक है, ललितपुर के ऊपर ये झांसी था, यहाँ जालौन, औरैया, इटावा, और ये तुम्हारी आगरा की सीमा लग रही है, इतनी लंबी सी, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली। सबको पता है कि ये गौतम बुद्ध नगर और
गाजियाबाद मेला मेला लगा हुआ है, यहाँ तक तुम्हें याद हो गया। दूसरे राउंड में चलते हैं हम, कहाँ से, यहाँ से, और सहारनपुर से नीचे मुजफ्फरनगर, उसके नीचे क्या था, मेरठ, मेरठ, अमरोहा, संभल, बदायूं, और शाहजहाँपुर, हरदोई, सीतापुर, उसके बाद लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और आजमगढ़, उसके बाद वाराणसी, भदोई, ठीक है। ये रहा जौनपुर, प्रयाग, प्रतापगढ़, और ये तुम्हारा रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, कन्नौज, फरुखाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, एटा के पास कासगंज, हाथरस और अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, और बस ठीक है, हो गया हमारा, और कोई बच्चा है तो नहीं है। अब तुम्हें याद क्या करना, ये तो तुमने एक बार देख लिया, एक दो बार देख लिया पूरा मैप, अब तुम्हें क्या करना है, सीमावर्ती राज्य। 6 पॉइंट मैंने आपको क्या सिखाया कि मैप रीडिंग करना सीखो, रोज एक बार यूपी का मैप देख लो, कहाँ पर कौन सी लोकेशन है किस जिले की, ठीक है। कितने जिले हैं, 75, उन सब की लोकेशन आप देख लो। उसके बाद अब क्या करोगे, सीमावर्ती जो राज्य हैं, क्या मैंने अभी बताया था सीमावर्ती राज्य, जैसे ये हिमाचल प्रदेश हो गया, अब तुम्हें क्या क्या करना है कि किसकी सीमा किस किस से टच होती है, आपको वो देखना है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट हम डालते हैं क्या, हिमाचल प्रदेश। आ जाओ मैप में ही दिखाती हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। देखो देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि हिमाचल प्रदेश से पहले काउंट कर लेते हैं किसके साथ कितनी लगी हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ 1, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के साथ 7, 1, 7, नेपाल, यहाँ पे ऐसे नेपाल है, नेपाल के साथ 7, उसके बाद बिहार के साथ 7, तो कितनों के साथ 7 हो गई। देखो हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 7, नेपाल 7, बिहार 7, ठीक है, झारखंड 1, और उसके बाद तुम्हारा छत्तीसगढ़ 1, और मध्य प्रदेश 11, सबसे ज़्यादा सीमा टच करने वाला 11, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के पास आपकी 2 हैं, मथुरा और आगरा, उसके बाद आपका हो गया हरियाणा 6, और दिल्ली 2, अभी बताया था गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो एक क्विक रिवीजन फिर से, हिमाचल प्रदेश के साथ 1, उत्तराखंड के साथ 7, नेपाल के साथ 7, बिहार 7, हिमाचल 1, उत्तराखंड 7, नेपाल 7, बिहार 7, झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 11, हरियाणा आपकी 6, राजस्थान 2 और दिल्ली 2, और हिमाचल प्रदेश तो पहले ही हो गया, याद हो गए। अब चलो देखो, हिमाचल प्रदेश ऊपर है ना, इंडिया का मैप जब देखोगे ऊपर है ना, तो ऊपर में कौन सी सीमा टच हो रही है, सिर्फ सहारनपुर, तो इसका मतलब क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला टच करता है, वो कौन सा, हमारा सहारनपुर। उसके बाद हो गया तुम्हारा, उसके इधर आपको आता है जब इंडिया का मैप देखोगे उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से कौन कौन से होते हैं, देखो सहारनपुर इसका मतलब हिमाचल प्रदेश से है, और यहाँ से भी है, किससे, उत्तराखंड से भी। तो क्या हो गया, सहारनपुर, ये रहा सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, ये रहा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, ठीक है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, यहाँ से ये देखो सीमा जो बन रही है, यहाँ से उत्तराखंड खत्म, 7 हो गए, काउंट करो, सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामपुर 5, बरेली 6, पीलीभीत 7, ठीक है, 7 जिले उत्तराखंड से हमने याद कर लिया। देखो इसीलिए मैंने साइड साइड्स में मैप याद कराया था, फिर से याद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जिला जिसका नाम था सहारनपुर, उत्तराखंड से वो सहारनपुर भी टच करता है, तो इसका मतलब हो गया सहारनपुर, उसके नीचे था मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर 3, बिना देखे ऐसे ही सोचो, सहारनपुर था, फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फिर उस बिजनौर के नीचे मुरादाबाद, फिर रामपुर और बरेली, पीलीभीत। आप सब तो यूपी वाले ही हैं, तो थोड़ा तो आइडिया होता ही है कि सहारनपुर से नीचे मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, और बिजनौर से नीचे मुरादाबाद, सब पेपर देने जाते हैं जो, उसके बाद रामपुर, और रामपुर से नीचे बरेली इधर लगा हुआ है, और इधर पीलीभीत, हो गया 7। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेपाल। अब ये पीलीभीत जैसे सहारनपुर 2 जगह से सीमा बना रहा था, ऐसे ही पीलीभीत बनाएगा, देखो किससे, नेपाल से, ठीक है, पीलीभीत, फिर ये रहा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है, काउंट कर लो, ठीक है, फिर से करते हैं, पीलीभीत, खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ऐसे ही आपको मैप लेना है यूपी का, और उसमें आपको इंडिकेट किए हुए आते हैं, एक ब्लैंक मैप ले लो या अपने हाथ से बना लो जिसकी ड्राइंग अच्छी है, और ऐसे ही मेंशन करो, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखो कि उसके नीचे कौन सा जिला है,
ठीक है, ये हो गया हमारा नेपाल का तसल्ली से, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं बिहार के साथ। बिहार के साथ देखो कितने हैं, 7। तो जल्दी से करते हैं, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, बलिया, फिर गाजीपुर, फिर चंदौली, और चंदौली के बाद तुम्हारा ये रहा सोनभद्र, ठीक है। तो ये वाला जो तुम्हारा एरिया है ये क्या है, बिहार का है, ठीक है। फिर से करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। एक बात बताओ, मैंने कोई ट्रिक से पढ़ा था जब मैंने PCS क्वालिफाई कर रखा है, बताओ, नहीं करा ना, मैंने भी ऐसे मैपिंग मैपिंग करके किया है, तो करो। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, हो गए। इधर इधर का साइड का बिहार का तुमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद हमने किया उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर बिहार। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा क्या, छत्तीसगढ़ से भी एक और झारखंड से भी एक। अब सबसे ज़्यादा टच करने वाला कौन, मध्य प्रदेश, और सबसे कम सहारनपुर। चलो अब किससे कितने हैं मध्य प्रदेश से, 11, ठीक है। तो जो 11 होता है, एक और एक 11, वही तो ज़्यादा होते हैं, क्यों भाई, कुछ ऐसे सोच लो। तो यहाँ से शुरू करते हैं इस बार, आगरा, ये देखो सीमाएं देखते रहो, आगरा, फिर उसके बाद इटावा, इटावा के बाद औरैया मत करना, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रहा जालौन, फिर से बोलो, आगरा, इटावा, जालौन, फिर झांसी, और ये रहा ललितपुर। उसके बाद ये महोबा, महोबा के बाद बांदा, फिर चित्रकूट, फिर प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। इधर का ये पूरा MP से लगा हुआ है, ललितपुर तो तीनों तरफ से MP से घुरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। तो समझ में आई, आगरा से आए ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, यहाँ तक UP की सीमाएं, ठीक है। फिर से याद करते हैं कैसे, आगरा से हम जल्दी से याद करते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये हो गए 11, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ राजस्थान से लगे हुए, राजस्थान से दो ही लगे हैं, कौन, मथुरा और आगरा। जल्दी से बताओ, राजस्थान से सिर्फ दो, मथुरा और आगरा, ठीक है, मथुरा आगरा राजस्थान से। उसी तरह से किससे, दिल्ली से दो, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अब बचा हरियाणा, उसको कर लो, 6 ही तो हैं। देखो साइड साइड में कौन कौन है, देखो सहारनपुर, अब तुमने क्या चीज़ नोट किया कि हिमाचल प्रदेश से कर रहे थे जभी भी सहारनपुर आ रहा था, उत्तराखंड से करा तभी भी सहारनपुर आ रहा है, और जब हरियाणा से कर रहे हैं तभी भी सहारनपुर। तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, क्या, हरियाणा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब पढ़ते हैं, सहारनपुर, इसके नीचे शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, और ये तुम्हारा क्या है, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा। गाजियाबाद थोड़ा इधर को पड़ जाता है, अंदर की साइड को, इधर को, ठीक है। तो जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, 6, यही तो अलग है। अब ठीक है, बिना देखे सारे बोल के दिखाओ, जल्दी बोलो, हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, बिहार से 7, और झारखंड से 1, और छत्तीसगढ़ से 1, और उसके बाद तुम्हारा आगरा से 11, राजस्थान से 2, और हरियाणा से 6, दिल्ली से 2, ठीक है। सबकी आज हमने क्या कवर करी है, सीमाएं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं, क्या कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है तुम्हारा, ललितपुर। तो ये ललितपुर जो है ये मध्य प्रदेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश, मैंने पहले ही बता दिया, और सबसे छोटी सीमा वाला राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया, अब यहाँ से हमारे कितने पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। हमने ईस्ट पढ़ लिया, सबसे पूर्व में बलिया, ठीक है, सबसे पश्चिम में तुम्हारा शामली, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में तुम्हारा सोनभद्र, 4 पॉइंट क्लियर। उसके बाद हमने ये देख लिया, हिमाचल प्रदेश से एक सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश टच करता है, मतलब एक राज्य, और उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, बिहार से 7, ये तो कंटिन्यू करते आओ, 1, 7, 7, 7, 1, 1, 11, 1 और 1, 11, अरे वाह, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 और 1, 11। उसके बाद 11 और 1, 1 मिलकर राजस्थान से 2, फिर 6, फिर 2। उसके बाद हमने लोकेशंस भी देख ली, ठीक है, किसी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखते जाओ मैप और पढ़ते जाओ, 3-4 बार रिवीजन करोगे, ख़त्म।
ठीक है। तो अब मैं जैसे पूछती हूँ कि बताओ दिल्ली से कौन कौन सी सीमा लगती है, तुरंत बता दो, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। और जैसे मैं पूछती हूँ कि सबसे पूर्वी जिला, बता दो बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तर सहारनपुर, दक्षिण सोनभद्र। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, और लेकिन करना रोज है, थोड़ा थोड़ा करो बट करो रोज। तो आज हमने मैपिंग सीखी और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ली, आज आप इतना रिवाइज करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर आपको सच में ही सिलेक्शन चाहिए और सच में आप चाहते हो कोई पोस्ट, चाहते हो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, तो रेगुलरिटी बनाए रखें। होता है क्या, जो टॉपर होते हैं उनके पढ़ा करो कि वो क्या करते हैं, बेशक थोड़ा पढ़े बट रोज़ पढ़ते हैं। तो आप ये जैसे मैं कंटिन्यू सीरीज ला रही हूँ अब UPSI के लिए, ठीक है, तो आप UPSI हो गया, GD हो गया, या तुम्हारा लेखपाल हो गया, हिंदी UPG के सब में आएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहें और आपको पसंद आएगा ही, अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं। अपने अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, स्ट्रिक्टली बिना लापरवाही के, ओके। और चैनल को करो सब्सक्राइब और लाइक, ओके, थैंक यू।